हाय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम में हम सीखने वाले हैं एक ट्यूबवेल से कैसे पानी निकलने के जो एनिमेशन वीडियो है वो पावर बैंक पे कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो पे पहले पावर पॉइंट ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके पावर पॉइंट मैंने ऑन कर लिया, और इसको हम क्लियर करते हैं, ब्लैंक करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड का हम डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके लिए माउस की राइट क्लिक करके यहाँ पर और जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो ग्रेडियंट फील्ड है इसे हम सिलेक्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट स्टॉप बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट में हम जाते हैं, और इसके जो सिलेक्टेड कलर है यहाँ पर हम कलर करेंगे ग्रीन। उसके बाद देखिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका जो कलर करेंगे येलो, और ये कलर जो है रहने दीजिए इसे, जो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम, और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुके हैं। और अब हम जो ट्यूबवेल का जो पंप है उसका हम डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो शेप है यहाँ पर, तो इसे हम लेते हैं, और सबसे पहले हम इसे यहाँ पर सिंपल तरीके से करेंगे, और ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो लगभग इसे हम नहीं चूज़ करेंगे, इसे हम चेंज कर देते हैं, जो हमारा ये होगा ये हम लेंगे, तो थोड़ा सा इधर हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर से यहाँ पे जाते हैं, और ये डिज़ाइन फिर से हम लेते हैं यहाँ पर, उसको थोड़ा छोटा करेंगे। अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, और ये वाला जो ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देखिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाइए और रोटेट कीजिए यहाँ पर, आप CTRL D दबा के कीबोर्ड से इसका डुप्लीकेट कॉपी एक बना लीजिए, या तो इसको आगे रखिए, इसको यहाँ से उसके बाद हमें हैंडल तैयारी करना है, जो ट्यूबवेल का हैंडल होगा उसे हम तैयार करेंगे इसको। थोड़ा सा इसे घुमा देंगे, उसे ले जाके यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेंड टू बैक कर देंगे इसे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन इसे हम लेंगे यहाँ पर, देखिए लगभग डिज़ाइन बनी हुई है, इसे हम जस्ट फॉर्मेट में जाके रोटेट पहले फ्लिप फ्लॉप करेंगे, उसके बाद बाटी गटी से इसको भी रख के अब इसे बैक कर दिया। तो देखिए लगभग ट्यूबवेल का हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद हमें एक पानी का जहाँ पर पानी गिरेगा वो पॉड बनाना पर, ये तो इसे हम लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे घुमा लेंगे रोटेट करके, तो
फिर इसका डुप्लीकेट एक बना लेते हैं। और इसके जो फील इफेक्ट है वो हम टेक्सचर में पानी वाला बहुत डाल देंगे। अब इसको जो एनिमेशन है, पे एनिमेशन देते हैं हम एक एनिमेशन। एनिमेशन पिन ऑन कर लेते हैं, इसको डिज़ाइन थोड़ा सा स्लो करते हैं विद प्रीवियस करेंगे, उसके बाद टाइमिंग इफेक्ट फिर लाएंगे हम। टाइमिंग बट पे ला के हम इसे करेंगे, इसे नेक्स्ट साइड पर तो जरूरत नहीं है, इसे रहने दीजिए। टाइमिंग जो है ठीक है, रिपीटेड करने की जरूरत नहीं, विद प्रीवियस कर दिए ठीक है। ओके तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर जो फर्स्ट हो रहा है ना इसे स्लो करेंगे हम। हाँ इस तरह से अब सही लग रहा है। तो अभी देखिए जो पानी की बूंद जो यहाँ पे पड़ेंगे उसका एनिमेशन हम बनाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और शेप में देखिए टियर नब का एनिमेट टियर ड्रॉप, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करके करेंगे। और इसको पहले जब बड़ा है साइज, जब बड़ा होगा तभी इसे सीधा कर लेंगे और उसके बाद एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जाके इसको हम तो पहले देखिए यहाँ पर आप समान करेंगे तो समान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कर दिया है मैंने यहाँ, तो लगभग दिक्कत नहीं कोई। और यहाँ पर देखिए हम फील कलर पे जब है टेक्सचर पे लेंगे, वही ड्रॉप वाला लेंगे और आउटलाइन यहाँ पर नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद देखिए इसको हम एक काम करते हैं, इसका जो यहाँ पर छोटा कर देते हैं, लगभग दो लेते हैं, और इसको भी हम छोटा कर देंगे यहाँ पर और दो लेते हैं। तो लगभग हमारा पॉइंट यहाँ पर बन चुके हैं। इसको एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन एड एनिमेशन में जाके यहाँ पर जो फ्लाई आउट है इसको हम देंगे। और उसके बाद देखिए इसको हम सिलेक्ट करने के बाद CTRL D से इसका तीन चार कॉपी, चलिए हम चार कॉपी बना रहे हैं, चार कॉपी बना लिए। अब देखिए एक एक कॉपी यहाँ पर सिलेक्ट करते हो। देखिए पहले आप एक काम कीजिए, ये जितने सारे CTRL करके सिलेक्ट कर लीजिए एक बार में, और एक को आप क्लिक करिए विथ प्रीवियस करिए। उसके बाद यहाँ पर में जाके आप एक काम कीजिए, अनटिल द एंड ऑफ द स्लाइड कर दीजिए। ओके अब देखिए पर यहाँ पर जो भी है इसे रहने दीजिए टाइमिंग पर, ओके कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद इस पे जाइए, टाइमिंग में जाइए और इसको 0.5 दे दीजिए। उसके बाद इसे जाइए टाइमिंग में जाइए, इसे 1 सेकंड दिया, और इसके बाद इसे हम 1.5 सेकंड दिया। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ये जो एनिमेशन है इसको हम यहाँ पर लाएंगे एक एक करके। तो एक काम कीजिए इसे आप बैक कर दीजिए, सॉरी सॉरी, इसे फ्रंट में लाइए आप। तो फ्रंट में लाने के बाद देखिए ये हो चुका है, तो इसे भी आप फ्रंट में ला दीजिए। तो ये बैक में चला गया, आप देखिए ये फ्रंट में आ चुका है, तो इसको भी आपको फ्रंट में लाना पड़ेगा और इसको भी। एक से प्रॉब्लम हो चुका है,
चलो फ्रंट में ला दिया मैंने। इसको आप बैक में करना पड़ेगा। हाँ और भी बैक में चले जाएगा। बैक में क्यों नहीं जा रहा भाई? अब सही है। तो देखिए हमारे एनिमेशन यहाँ पर तैयार हो चुके हो, और एक एनिमेशन यहाँ पर लीवर का जो एनिमेशन है उसे हम देंगे। तो इसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एड एनिमेशन पे जाएंगे, और जो स्पिन वाला एनिमेशन है इसे हम देंगे। तो देखिए स्पिन वाला एनिमेशन जब भी हम देंगे तो इसे 360 एनिमेशन हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट विथ प्रीवियस करेंगे, उसके बाद हम इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसे। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ पर जाइए, तो यहाँ पर 20 करके फिर एंटर दिए, तो 20 क्लॉक यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप भी ओके कीजिए। अब देखिए कैसे एनिमेशन यहाँ पर देख, तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, तो हम ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और फिर देखते हैं। तो इसको हम टाइमिंग में अनटिल द नेक्स्ट ऑफ द साइट करेंगे, और डिले यहाँ पर हम करेंगे ही नहीं, 0.5 सेकेंड। ड्यूरेशन आप 5 सेकेंड रख दीजिए, क्योंकि हम बाल्टी की भी ड्यूरेशन 5 सेकेंड ही रखें। तो देखिए पूरे एनिमेशन हमारे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं एनिमेशन यहाँ पर, प्रीव्यू करते हैं प्रोजेक्ट को, तो देखते हैं कैसे होते हैं। और एक गलती यहाँ पर हो चुकी है, ये जो एनिमेशन है इसको हम फॉरवर्ड करेंगे और पे काम करते। चलो ये दिक्कत को हम ख़त्म ही कर देते हैं, यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं एक झटके में। सॉरी इसको हम नहीं कर सकते। तो इसको हम CTRL G दबा के ग्रुप बना लेते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए आप देखते हैं एनिमेशन कैसे बनते हैं, कैसे बना है एनिमेशन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही हुआ है, जो ये बहुत स्लो चल रहा है, तो इसको हम ठीक कर देंगे यहाँ पर। क्यों स्लो चल रहा है भाई? तो इसको हम टाइमिंग में जाएंगे और वेरी स्लो कर दिया, सॉरी, यहाँ पर इसको करते हैं। और अभी देखिए अब सही है एनिमेशन। तो अभी ऐसे एक एनिमेशन बनाइए, और मेरी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो देखिए एनिमेशन हमारा रेडी हो चुका है, तो इस एनिमेशन को थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए हम थोड़ा पिक्चर यहाँ पे ऐड करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, सॉरी पिक्चर पे, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड मैंने लेके रखा है, ये बैकग्राउंड आप ले लीजिए।
ये बैकग्राउंड आप ले लीजिए यहाँ पर, और ये बैकग्राउंड यहाँ पर मैं अब इसको यहाँ पर बैक कर रहा हूँ। ये बैकग्राउंड हमारे हो चुके हैं, और एक इंसर्ट करेंगे हम पिक्चर यहाँ पर डेस्कटॉप पे रख गए हैं। तो यहाँ पर रिमूव करेंगे हम इसके बैकग्राउंड को, तो अब देखिए जो एनिमेशन है लगभग हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इससे हम प्ले करके देखते हैं। तो देखिए खूबसूरत सा एनिमेशन यहाँ पर बन गया है। आप इस तरह से आप कार्टून वीडियो भी बना सकते हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे एनिमेशन टाइप के वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा आपके पास लाऊंगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।